नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर। अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो पितृ पक्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। खासकर पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, जीवन में और परिवार में पितरों को ढाल बनाने के लिए और हर मनोकामना की पूर्ति के लिए। खासकर की धन की समस्या अगर आपके जीवन में होती है तो पितरों की सहायता से धन की समस्याएं भी दूर करी जा सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष पर कुछ ऐसी चीजें जिनको करने से सुख समृद्धि और धन पूरी तरह से आकर्षित होता है। काफी लोग अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें करते ही रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति के पास होता है उसके पास सब कुछ हो जाता है। उसे कोई भी बुरी बलाएं नहीं छू पाती हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास फटक नहीं पाती है और वह संपूर्ण सुख और समृद्धि को आकर्षित कर लेता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि पितृपक्ष में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से सुख समृद्धि धन यश वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में जिनको जो कोई भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में पितरों का आशीर्वाद तो उसे प्राप्त होता ही है, बल्कि शनि देव की भी खास कृपा प्राप्त होती है। संपूर्ण ग्रह ही उसके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखकर सभी बातों को समझ लें। पितृपक्ष का जो महीना होता है वो एक ऐसा महीना है जिसका जरूर ही आपको लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इस महीने को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे महीनों से बिल्कुल चूक जाते हैं और फिर अपनी परेशानी से, दुखों से परेशान फिर पूरे साल ही होते रहते हैं। जबकि कुछ आसान सी चीजों को करके ही संपूर्ण पाप कर्म को मिटाया जा सकता है, दुख को मिटाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको पितृपक्ष में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी भी ना तो अपशब्द बोलने हैं और ना ही किसी महिला का अपमान करना है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं, सभी ग्रह खराब हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं इतनी आने लगती हैं कि वह जो कोई भी कार्य करता है उसका कोई भी कार्य ना तो सफल हो पाता है और वह अपने कार्य में ही फंसा रह जाता है। महिलाओं का सम्मान करना बेहद ही जरूरी माना गया है और जो कोई भी व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है उसी से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं का और बड़े बुजुर्गों का आपको बेहद ही खास ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी चीज है कि पितृपक्ष में अगर आप कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष लगा देते हैं तो इससे भी पितृपक्ष में बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, बल्कि भगवान विष्णु की भी खास कृपा प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप माना गया है और जो कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में किसी भी मंदिर में जाकर पीपल का पौधा लगा देता है तो उसे पितरों का विशेष आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आपको ऐसे ही किसी भी दिन किसी भी समय जाकर पीपल का पौधा नहीं लगाना है, बल्कि आपको केवल पितृपक्ष में शनिवार के दिन ही पीपल के पौधे को लगाना है, या फिर आप मंगलवार या सोमवार का दिन भी चुन सकते हैं। यही दिन बहुत ही ज्यादा उत्तम और खास हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि सुबह जल्दी उठकर कोई भी पीपल का पौधा सावधानी पूर्वक निकाल लेना है, जिससे पौधे को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और किसी भी मंदिर में जाकर उसे लगा देना है। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी रहती है कि उनके घर में पीपल का छोटा सा पौधा उग जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है कि आप अपने घर के पीपल के पौधे को जो अचानक से उगा है, अपने आप उगा है, उसे सावधानी पूर्वक निकाल लें और किसी भी मंदिर में जाकर लगा दें। और अगर आपको मंदिर में लगाने की इजाजत नहीं मिलती है तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। लेकिन घर में पीपल का पौधा होना बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, तो आप अपने घर में जब भी पीपल का पौधा अचानक से उग जाता है उसे सावधानी पूर्वक निकाल लिया करें और किसी भी मंदिर में जाकर लगा दिया करें। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव की खास कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से किसी भी पीपल के वृक्ष पर अगर आप एक मटकी में जल भरकर रख देते हैं और उसमें इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि एक एक बूंद उसमें से निकलती है, तो इससे सभी ग्रह, संपूर्ण ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में भी काफी बार बताया है। तो पितृपक्ष के सभी उपाय वाले जो वीडियो हैं वो भी आप जरूर देख लें चैनल में जाकर, जिससे सभी उपाय, सभी प्रयोग को किया जा सके, क्योंकि पितृपक्ष में
ऐसे उपाय जितने ज्यादा अधिक कर लिए जाएं उतना ही कम बताया गया है। इनमें खर्च कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन इनसे जो मिलने वाले लाभ हैं वो जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास पितर का आशीर्वाद है उसी के पास केवल सब कुछ है, और जिस व्यक्ति के पास पितरों का आशीर्वाद नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ होता भी है तो वह छिन जाता है, क्योंकि पितर हर संकट से, हर बाधा से रक्षा करते हैं, सभी बाधाओं को मिटाते हैं, आने वाले संकट को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए पितरों का आशीर्वाद तो आपको निश्चित तौर पर प्राप्त करना ही चाहिए। इसी प्रकार से बरगद का जो वृक्ष होता है, यह भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव का रूप है। बरगद वृक्ष की सेवा करने से पितृ पक्ष में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, शनि ग्रह प्रसन्न होता है, राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बरगद के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आज आपने यह वीडियो देखा है तो आज से ही बिल्कुल शुरू हो जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा इन दिनों में बरगद के वृक्ष की सेवा आप करेंगे उतना ही लाभ आपके जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा। बरगद के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाने के बाद आपको बरगद के फल ले लेने हैं और सीधा शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिव की कृपा से सभी कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं और आपकी वह साधना सिद्ध नहीं हो रही है, तो पितृपक्ष में इन चीज़ों को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पितृपक्ष में ही भगवान शिव की, बरगद के वृक्ष की सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी बीमारी से पीड़ित रहते हैं या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बीमार पड़ता रहता है, तो उसे आप जरूर बताएं कि पितृपक्ष में गाय के ऊपर हाथ फेरने से भी सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। केवल हाथ फेरने से ही, प्यार से आपको हाथ फेरना है, ऐसा करने से संपूर्ण ग्रह ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब इन्हीं दिनों के लिए एक महा उपाय भी हम आपको बताते हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, धन आगमन नहीं हो पाता है, घर में बरकत नहीं हो पाती है और परिवार में बहुत ही ज़्यादा कलह हमेशा ही बनी रहती है, घर के सभी लोग आपस में दुश्मन जैसा स्वभाव करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इस महाप्रयोग को करना है। यह महा उपाय है और जो कोई भी व्यक्ति इस महा उपाय को करता है उसे माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो इसकी विधि को आप सही से समझ लें। इस प्रयोग को करने के लिए आप किसी भी दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं पितृपक्ष में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आपको केवल सुबह ही उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको नहा धो लेना है और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जला देना है, उसी में आपको 8 इलायची भी डाल देनी है। अब काफी लोग इस गलती को करते हैं कि घी के दीपक में जब इलायची को डालते हैं तो उन्हें खोलना भूल जाते हैं, जिससे कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको उन इलायचियों को थोड़ा थोड़ा खोल लेना है और फिर घी के दीपक में डालना है, और उसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करना है, और अगर आपको 11 माला अधिक लगता है तो आप 5 माला भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती गाकर, माता लक्ष्मी की आरती गाकर आपको 8 आटे की लोई तैयार कर लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हैं, परेशानी है, पितृ दोष है, केवल उसी व्यक्ति को यह महाप्रयोग करना है। तो 8 आटे की लोई आपको तैयार कर लेनी है और उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको इन आटे की लोई को उठा लेना है और कहीं भी जाकर गाय माता को खिला देना है, और गाय को खिलाते हुए गाय पर हाथ फेरना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और थोड़ा सा कुमकुम का तिलक भी लेकर जाएं और गाय पर लगा दें, गाय पर स्वास्तिक बना दें, या आप ओम भी लिख सकते हैं। यह आपको कुमकुम से लिखना है और आटे की लोई गाय को खिला देनी है। केवल इतना करने मात्र से ही संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पितृदेव तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, बल्कि कुल देवी या कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में कुल देवी का, कुल देवता का साथ हो जाता है, पितरों का साथ हो जाता है, फिर उस जीवन में उनके घर में कष्ट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर बाधा आती भी है, कोई संकट आने वाला भी होता है, तो कुल देवी देवताओं को, पितरों को पहले ही पता लग जाता है और वह सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। यह इतनी आसान चीजें हैं जिनमें खर्च कुछ भी नहीं है, लेकिन इनसे जो मिलने वाले लाभ हैं वे बिल्कुल जीवन को बदलने वाले हैं, चाहे आपके जीवन में पितृ दोष हो या ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार उपाय कर लिया तो
पूरी जिंदगी का पितृदोष समाप्त हो गया। तो आपको बता दें दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल पितृ पक्ष आता है तो पूरे पितृ पक्ष में आपको कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि पितृ आपकी संपूर्ण तरीके से सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, सब कुछ देते हैं। और जो लोग इन छोटी छोटी चीजों को करने से कतराते हैं, बचते हैं, केवल दुख ही उनको घेर लेता है। तो आप बिल्कुल भी ना कतराएं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक इन प्रयोग को, इन महा उपाय को करें और अपने संपूर्ण पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। वीडियो को लाइक कर अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने जीवन के पितृ दोष को समाप्त कर सकें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।